मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से सारा देश जूझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी फसल भी तैयार है। बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके आपने अपनी फसल उत्पादित की है, और इसलिए जरूरी है कि संकट कितना भी बड़ा हो लेकिन समय पर आपकी फसल खरीदी जाए, और इसलिए हमने तय किया है कि 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। आप जानते हैं इस समय कई परेशानियां और दिक्कतें हैं। अभी तक खरीदी के लिए प्रदेश के बाहर से मजदूर आते थे, हमाली जैसे काम वो प्रशिक्षित मजदूर करते थे, लॉकडाउन के कारण वो अब नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्थानीय मजदूरों को ही हम प्रशिक्षित करें ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और हम खरीदी भी कर पाए। हमने इस बार कोशिश की है कि खरीदी केंद्र पर भीड़ ना लगे, इसलिए एक दिन में एक खरीदी केंद्र पर एवरेज 10 से 12 किसान ही आए। एसएमएस जब करें तभी आपको आना है, बिना एसएमएस के नहीं आना है, और एसएमएस भी हम दो हिस्सों में करेंगे, सवेरे से लेकर दोपहर तक आने वाले किसान और दोपहर के बाद आने वाले किसान। किसी भी कीमत पर खरीदी केंद्र पर भीड़ नहीं करना है, क्योंकि भीड़ अपनी जिंदगी पर संकट है, और इसलिए जब आपकी बारी आए, एसएमएस आए, तभी आपकी उपज लेके आए, लेकिन पूरी सावधानी से आए, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और किसी बुजुर्ग को नहीं आने देना है। कोरोना संक्रमण का खतरा उनको ज्यादा होता है, किसी बीमार को नहीं आने देना है, और अगर जिस दिन आपकी बारी उस दिन ना भी आ पाए तो चिंता मत करना, आपको और मौका मिलेगा। यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसी संकट के समय भी मैंने हिम्मत की है कि मैं फसल खरीदूं, लेकिन परेशानी हो सकती है, उस परेशानी के पार हम जाएंगे आपके सहयोग से, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। व्यवस्था हम खुद मिलकर बनाएं, शहरों में मंडियों में भीड़ ना हो इसलिए भी तय किया है कि व्यापारी अपने निजी खरीद केंद्र भी बना सकेंगे मंडी के बाहर, और वहां भी आप अपनी उपज बेच सकेंगे। व्यापारी आपके गांव में आके आपके घर से भी फसल खरीद सकेंगे, इसकी अनुमति भी दी है। मंडी का लाइसेंसी व्यापारी नियंत्रण उस पर रखते हुए आप उसको भी अपनी फसल बेच पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अभूतपूर्व संकट का समय है, पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है, लेकिन ऐसे समय हमने आपकी फसल खरीदने का फैसला किया है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, अपना काम है, आप सरकारी अमले को भी पूरा सहयोग कीजिए, स्वयं व्यवस्थाएं बनाइए, कोई परेशानी आए तो मैं तो हूं साथ में, एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करो, आइए मिलके उपार्जन के इस काम को, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निर्विघ्न संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।